I miss you. Welcome to GameSpot. Make sure to subscribe. Hey guys and welcome back to YouTube channel. सबसे पहले Happy Valentine's Day. और Valentine's Day पर आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक कमाल की वीडियो, जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट पावर रेंजर कपल. और अगर आप पावर रेंजर्स के फैन हो तो बने रहिए इस वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे इन लव बर्ड्स को. और अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है जेक एंड जिया फ्रॉम पावर रेंजर मिक्स. जैसा कि हमने शुरू में ही नोटिस किया था, जेक का क्रश था जिया पर और वो जिया के साथ फ्लर्ट करता था और साथ ही वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता था. लेकिन हमें लगा भाई जेक तो फ्रेंड जोन हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ सुपर मेगा फोर्स जब हमारे पावर रेंजर्स विलन्स को हरा देते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि जिया किस करती है जेक को, जो कि इंडिकेशन था कि अब हमारी येलो रेंजर और हमारी ग्रीन रेंजर दोनों एक साथ हो चुके हैं. तो नेक्स्ट रेंजर कपल हमारे पास है डिलॉन एंड समर फ्रॉम पावर रेंजर आरपीएम. जब सब डाउट कर रहे थे डिलॉन की कैपेबिलिटीज पर, तब समर ही थी जिसके अकॉर्डिंग डिलॉन परफेक्ट है ब्लैक रेंजर के लिए. समर ने कभी भी डिलॉन का साथ नहीं छोड़ा. समर ने डिलॉन को पूरा सपोर्ट किया और एट द एंड जब सिटी को सेव कर लेते हैं हमारे रेंजर्स, तो उसके बाद हमारे दोनों रेंजर्स अपनी लव जर्नी पर निकल पड़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइलर एंड शेल्बी फ्रॉम पावर रेंजर डाइनो चार्ज. अगर बात करें तो ये दोनों मिलते हैं एक मॉन्स्टर अटैक के दौरान और इसके बाद दोनों ही पावर रेंजर्स बनते हैं और मिशन के दौरान दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं. और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शेल्बी का टाइलर पर क्रश आ जाता है और जब टाइलर मुसीबत में होता है तब शेल्बी उसकी मदद भी करती है. और बाद में हमें देखने को मिलता है कि टाइलर भी शेल्बी को पसंद करने लगा है और हमारे कपल्स की लव जर्नी शुरू हो जाती है. तो चलिए अब नेक्स्ट कपल्स को डिस्कस करते हैं. तो ये है ब्लेक एंड टोरी फ्रॉम पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म. इसमें हमें देखने को मिलता है कि डस्टिन इंट्रोड्यूस करता है टोरी और शेन को अपने नए दोस्तों के साथ, जो कि होते हैं ब्लेक और हंटर. और इसी टाइम हमें पता चल जाता है कि टोरी और ब्लेक के बीच कुछ स्टार्ट हो गया है. साथ ही दोनों ब्लू रेंजर्स भी हैं, यानी कि दोनों का बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा. वैसे तो ये शो चिल्ड्रन फ्रेंडली था, इसी वजह से ये रिलेशनशिप ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, लेकिन ये रिलेशनशिप वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप है पावर रेंजर्स का. तो आप भी बताइए आपको ये कैसा लगा था. तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रोस एंड एशले. एशले एक सोशल बर्ड थी और वहीं दूसरी तरफ एंड्रोस एक लोनर. और जैसा कि हमें पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ भी यही होता है. दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है. और इसी बीच एंड्रोस एशले को डेट के लिए पूछ लेता है. दोनों की डेट भी बहुत अच्छी तरीके से बीतती है. और जब अब हमारी रेंजर्स विलन्स को हरा देते हैं और यूनिवर्स को बचा लेते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि अब दोनों का एक दूसरे को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है. लेकिन एंड्रोस ऐसा नहीं करता और वो अपनी टीम के साथ रुकता है, साथ ही उस लड़की के साथ जिसे वो प्यार करता था. और यहां देखने को मिलती है एक हैप्पी एंडिंग. तो नेक्स्ट हमारे पास है टॉमी ऑलिवर एंड किम्बरली हार्ट फ्रॉम पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन. जब हमने पहली बार दोनों को एक साथ देखा तो हमें पता चल गया था इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है. और साथ ही हमने देखा भी कि दोनों ही शो में कितने करीब आ जाते हैं, लेकिन एट द एंड इन दोनों को अलग होना पड़ता है. हमें देखने को मिला कि किम्बरली एक लेटर देती है टॉमी को और उसके जरिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है. और यहाँ हमें एक एंड देखने को मिलता है इस कमाल की लव स्टोरी का. लेकिन हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है. टॉमी भाई को मिलती है कमाल की लड़की जिसका नाम होता है कैथरीन,
और ये होती है हमारी नई पिंक रेंजर। और टॉमी भैया और कैथरीन मिलकर शादी कर लेते हैं और यहां देखने को मिली है हमें एक और हैप्पी एंडिंग। तो अब अगले कपल्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है वेस एंड जेन फ्रॉम पावर रेंजर टाइम फोर्स। जेन पहले एलेक्स यानी कि ओरिजिनल रेड टाइम फोर्स रेंजर को पसंद करती थी, लेकिन शो में मेन विलन रैंसेक एलेक्स को मार देता है और भाग जाता है ईयर 2001 में। उसका पीछा करते हुए हमारे रेंजर्स भी 2001 में आ जाते हैं। वहां वो मिलते हैं वेस जो कि होता है नया रेड रेंजर, और फिर दोनों के बीच शुरू होती है कमाल की केमिस्ट्री और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन अब वो एक साथ नहीं रह सकते और वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और अपने अपने टाइम में रहने लगते हैं। अगर बात करें तो जेन और वेस की लव स्टोरी पूरे पावर रेंजर हिस्ट्री में सबसे अलग रही है और मुझे ये कुछ डिफरेंट लगी और पसंद भी आई। तो अब आप बताइए आपको ये कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कॉमेंट जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।